Hello everyone, my name is Akash, myself is Ajit Kumar. We are students of NFCI. Today we are making spaghetti and meatballs. So we have our ingredients here like onion, meat and tomatoes and etc. So we will start with blanching the spaghetti. So Mr. Ajit Kumar, half pani boil hona chahiye iske liye. जब तक हमारी स्पेगेटी ब्लांच हो रही है तब तक हम अपने मीट बॉल्स तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने मिंच चिकन रखा हुआ है 1 कप, हम उसको यूज करेंगे और सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर देंगे उसमें। और अब हम व्हाइट पेपर यूज करेंगे, वो भी अपने टेस्ट के हिसाब से यूज करेंगे। और ये नो गार्लिक पाउडर और यहाँ पे ग्रीन चिलीज हमने कट कर रखी है अच्छे से। गार्लिक भी यूज करेंगे जिंजर भी यूज करेंगे और ये हमारे पास सिलांत्रो है कोरिएंडर स्टेम्स। ये सब यूज होने के बाद इसको हम मैश करेंगे और इसके बॉल्स बनेंगे। अब जो मैं स्पैगेटी है उसको चेंज करने लगा, स्पैगेटी हम एक बॉल में रखेंगे अच्छे से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे मीट और जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे अपने बॉल बनाने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर देंगे। तो आपको कैसे तो मेरे को अपने फ्रेंड के थ्रू पता चला था और मैंने इंस्टाग्राम पे भी उनकी पेजेस फॉलो कर रखे थे, क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी जो कुकिंग की वीडियोस है वो बनाते रहते थे। तो मैंने उनको फॉलो किया था और मेरा पहले से ही कुकिंग में इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने NFCI ज्वाइन करने का सोचा। आपका कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे NFCI? एक्चुअली मैंने ना उनकी वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर मैंने वहाँ पर तो हम पैन में बटर डालेंगे अभी। आप बटर के साथ ऑयल भी यूज कर सकते हैं ताकि जो आपका बटर है वो जले ना, पर हम बटर ही यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल सपोर्ट है। जो बटर है उसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे पैन में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा बटर जो है वो मेल्ट हो चुका है। तो अब हम अपने मीट बॉल्स को उसमें शैलो फ्राई करेंगे और हम उसी फैट को आगे भी यूज करेंगे ताकि जो जो फैट का जो मीट बॉल्स का फ्लेवर है वो हमारे स्पेगेटीज में भी मर्ज हो सके। जैसे कि आप देख रहे हैं आप मीट बॉल्स ऐड करती हैं और उसका उसमें हम टॉमी यूज करेंगे ताकि वो उसे टूटे ना और अच्छे से टूटे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी साइड से पक गए अच्छे से, अब हम उसको दूसरे साइड से पकाएंगे ताकि कच्चे ना रह जाए। जैसे आप देखा काफी अच्छे से पक रहे हैं, अब हम उसको एक साइड से फ्लिप करेंगे ताकि फ्लेवर काफी अच्छे तरीके से ऐड होंगे और चिकन कच्चा ना रह जाए साइड से। जैसे कि देखिए आप हमारे बोल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, अब उसको देख सकते हैं। अब उसको अब हम इसमें टोमेटो ऐड करेंगे। तो टोमेटो टोमेटो की क्वांटिटी हमेशा इसमें हम अनियन से डबल यूज करेंगे। तो हमने 1 कप हमने अनियन यूज किए और 1.5 कप हमने टोमेटो यूज किए। हम जिंजर गार्लिक यूज करेंगे और हम अपने सारे स्पाइसेस यूज कर लेंगे, जैसे ग्रीन चिली और ये कोरिएंडर स्टेम है हमारे पास, और जो हमने पहले मीट बॉल्स बनाते टाइम स्पाइसेस यूज करे थे वो सारे स्पाइसेस यूज होंगे। हम जिंजर कम यूज करेंगे ताकि क्योंकि इसमें भी चिकन बॉल्स में भी जिंजर बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसमें कम यूज करेंगे। हम गार्लिक ज्यादा यूज करेंगे, टाइम से गार्लिक और हम कोरिएंडर
ग्रीन चिली, ओरिगैनो एंड गार्लिक पाउडर। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी ग्रेवी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसमें अपने ग्लूकोज ऐड करेंगे ताकि ये जूसी हो जाए अच्छे से। सो बाय द टाइम इट्स बीइंग कुक्ड, I want to tell you that this is a Italian dish famous in Rome, Italy, and this is considered as the dish of love and heritage. जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे meatballs और sauce पूरी तरीके से cook हो चुकी है। तो now we are going to start the plating. So we are going to pour the sauce over the spaghetti and going to plate the meatballs over the spaghetti. तो हम टॉम की मदद से meatballs अपनी spaghetti और सॉस के ऊपर रखेंगे ताकि वो दिखने में भी अच्छी लगे। और हम इसको oregano से press कर सकते हैं ऊपर से, तो हम इसको ऊपर से sprinkle कर देंगे oregano को ताकि जो दिखने में भी अच्छा लगे। ऐसे ही और मजेदार dishes सीखने के लिए NFCI के YouTube चैनल को जरूर subscribe करें।